हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है द ज्ञानोलॉजी टीवी में। दोस्तों, रतन टाटा भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक है। रतन टाटा टाटा ग्रुप और टाटा मोटर्स के मालिक है। दोस्तों, टाटा मोटर्स भारत के सबसे बड़े कार कंपनी में से एक है। टाटा मोटर्स में करीब 40,000 कर्मचारी काम करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि ये कंपनी कितनी बड़ी है। पर दोस्तों, जब इस कंपनी की स्थापना की गई थी तो इस कंपनी के ऊपर खूब सारी चुनौतियां आई थी। एक बात तो ये कंपनी बेचने रतन टाटा अमेरिकी कंपनी के साथ डील रखने गए। तो क्या है टाटा मोटर्स की इतिहास, क्या है टाटा मोटर्स की सक्सेस स्टोरी, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो टाटा कंपनी वर्षों से गाड़ियां बना रही थी, लेकिन 1998 में रतन टाटा ने कार लॉन्च करने का सपना देखा। ये रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था। रतन टाटा ने पूरी तरह देश में बने इंडिका कार को लॉन्च की। लेकिन एक साल के अंदर ही ये फ्लॉप हो गई। रतन टाटा का सपना उनकी आंखों के सामने बिखर रहा था। इन्वेस्टर्स को बहुत नुकसान हुआ। उन्हें कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि कार कंपनी को बेच दे। उन्हें यह सुझाव ठीक लगा और वे अपनी कार कंपनी बेचने का प्रस्ताव लेकर फोर्ड कंपनी के पास गए। वो कहते हैं ना, जब कुछ बड़ा होना होता है तो उससे पहले बुरा वक्त का एक दौर चलता है। रतन टाटा और फोर्ड कंपनी के अधिकारियों के बीच 3 घंटे की मीटिंग चली। इसमें फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड का व्यवहार काफ़ी रुखा था। उन्होंने रतन टाटा को यहाँ तक कह दिया कि अगर तुम्हें कार बनाना ही नहीं आती है तो तुमने इस बिजनेस में इतने पैसे क्यों डाले। ये कंपनी खरीद कर हम तुम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। इस तरह के व्यवहार से रतन टाटा को बहुत बड़ा झटका लगा। उन्होंने बैठक में काफ़ी अपमानित महसूस किया। रतन टाटा ने डील छोड़ी और अपनी टीम के साथ वापस लौट आए और पूरा ध्यान टाटा मोटर्स पर लगा दिया। यहाँ से रतन टाटा की किस्मत बदलने वाली थी। सालों के रिसर्च के बाद रतन टाटा ने इंडिका का नया वर्जन लॉन्च किया। शुरुआती झटके के बाद ये कारोबार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कुछ समय के बाद यह बहुत मुनाफे का व्यवसाय साबित हुआ। वही फोर्ड कंपनी जैगवर और लैंड रोवर की वजह से काफी जीता झेल रही थी। 2008 आते आते कंपनी दिवालिया होने की कगार पर आ गई। टाटा ने दोनों को खरीदने का प्रस्ताव रखा, जिससे बिल फोर्ड ने स्वीकार कर लिया। बिलफोर्ड टाटा के मुख्यालय आए और रतन टाटा से कहा कि आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। शब्द कुछ उसी तरह थे, बस हालत बदले हुए थे। रतन टाटा ने कहा, मैं फैसला पहले लेता हूँ, उसके बाद मैं उसे साबित करता हूँ। ऐसा उन्होंने कर दिखाया। दोस्तों, हमें भी रतन टाटा से प्रेरणा लेनी चाहिए और रतन टाटा की तरह अगर आपने भी जिद पाला है और ऐसा ही जुनून आपके सिर पर सवार है, तो यकीनन मानिए वो दिन दूर नहीं जब आप भी सफलता की बुलंदियों पर होंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।